ठीक है, चलते पहले खाना ना खाते, देखते हैं कि क्या क्या बना है खाने में। आप सो रहे हैं और गाइस हम इनको थोड़ा सोचिए कि चलो परेशान कर लेते हैं, इनको परेशान करते हैं तगड़ा। और सोए भी गाइस 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, अभी 11 भी बजने ही वाले हैं, कुछ कुछ टाइम में 11 बज जाएंगे और इनको अभी तक सोए हुए हैं। उठिए अभी, देखो। वैसे गाइस ये कल रात में बहुत पढ़े थे, शायद 12-1 बजे तक था, तो इसी वजह इतना लेट तक सोए हैं। उठिए, तो क्या मुझे क्या समझे थे आपको बताना। उठिए उठिए पहले उठिए। सो गाइस देखिए अभी नींद में पूरा, अभी तुरंत सबको उठे हैं। उठिए उठिए। और गाइस ये उठ चुके हैं, गाइस उठ चुके हैं ये पूरा। पूरी नींद में है। अरे यार बहुत ठंडा लग रहा है भाई। कितना बज रहा है अभी? 10:30 बज रहा है। हाँ 11 बजने वाला है। चाय लेकर आओ पहले, तुम जाओ पहले चाय लेकर आओ। तो गाइस हमारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग आपके लिए, और अभी तो प्रयास भेजिए चाय लेने के लिए, पहले चाय लेकर के आता है, तो आज थोड़ा काम भी है। और देखिए पूरा दिन यहीं पे गेम खेलता रहता है और कोई काम नहीं करता गाइस, देख लीजिए यहाँ पे बैठ के बस गेम खेल रहा है। बच्ची का साइकिल नहीं बनवा सकता, और कहता है ना कि कम बोलिए कम बोलिए। हट चलिए, देखो दिन भर पबजी खेलता है, दिन भर पबजी खेलता है, बस पबजी। पबजी नहीं है, फ्री फायर है शायद। फ्री फायर है ना, फ्री फायर है ना। तो देखो मस्त एकदम रोटी यहाँ पे बेल रही है बच्ची, बच्ची यहाँ पे मस्त रोटी बेल रही है, गोली गोली रोटी हो रही है। ठीक है बनाओ बनाओ, गुड। पहले चाय रखो, चाय कौन बनाएगा? चाय बनाओ, चाय चाय बनाओ, चाय। गाइस चाय पी के फिर निकलते हैं मार्केट, साइकिल लेकर के जाते हैं और साइकिल बनवा के तब आएंगे। अभी चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद ब्रश रश कर लेते हैं, फिर आएंगे तो कुछ, ताकि नाश्ता पानी भी हो जाए मार्केट में अगर मन किया तो। बाकी यहाँ पे रावस्टगंज में हमारे हिसाब से कोई नाश्ता पानी नहीं मिलता रावस्टगंज में और जो है चौपन में, क्योंकि कोई अच्छा नाश्ता ही नहीं दिखता हमको। सुबह खाने का मन करता है इडली सांभर, ये सब कुछ मिलता ही नहीं। चाय मिल जाता है वो भी अच्छा नहीं मिलता, इसलिए घर का ही चाय हम अक्सर करके पीते हैं। आइए चलेंगे मार्केट अभी। चाय तो आ चुका है, ये रहा और मेरा भाई लेकर क्या है प्यारी सी चाय, और इसका चुस्की लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हर्षिता तुम्हारी साइकिल बनवानी है ना, उसके बाद चलते हैं हर्षिता की साइकिल बनवा देते हैं, पंचर बहुत दिनों से पड़ी है। रोटी अभी हम नहीं खाए, अभी हम नहीं खाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं चाय पी कर इसकी साइकिल वाइकिल बनवा के तब आते हैं उसके बाद। अभी तो हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि बच्ची का साइकिल बनवाना है, तो चल रहे हैं बनवा देंगे, फिर आएंगे तो नहाएंगे धोएंगे और फिर खाना पीना खाएंगे। बस मुश्किल से 10 मिनट लगेगा इसकी साइकिल बनवाने में, अगला टायर पंचर है, चल के रिपेयर करवाते हैं, इधर ही कहीं पास में है, चलते हैं। बाकी वो सब तो अभी अपना फ्री फायर में लगे हैं, हम चलते हैं साइकिल तब तक बनवा के आते हैं वापस। पंचर है जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रही है, वैसे भी साइकिल से नहीं जाती है फिर भी चलाती है, तो चलाने के लिए बनवा देते हैं इसका। चलिए आइए गाइस, फाइनली खोजने के बाद पंचर की दुकान मिल गई है और यहाँ पे पंचर दादा लगा रहे हैं। अब ये पंचर लगा लें फिर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे पंचर बहुत ही महंगा बना रहे हैं, 20 रुपये का एक पंचर। बाप रे बाप, देखो मेरी साइकिल बन गई है, अब चलते हैं घर की तरफ। ये पंचर नहीं थी, इसका वाल चेंज हुआ है, नया वाल लगा है, अब लेकर के चलते हैं घर। ये खड़ी हो जो ठीक है, अब चलते हैं घर, डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। गाइस साइकिल वाइकिल बनवा के घर पे हम आ चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा खाना पीना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। खाना पीना खा के तब मिलते हैं, लाख हो जाओ भाई। ये साइकिल बन गई, इसका वाल खराब था, पंचर नहीं थी। ठीक है चलते पहले खाना ना खाते, देखते हैं कि क्या क्या बना है खाने में। बज रहा है और हम जा रहे हैं नाश्ता करने, समोसा और चटनी, और ये पॉपकॉर्न भी आ गया मेरे पास, इसको खाने के बाद तब बाद में खाना खाएंगे, 2:30 बजे खाना खाएंगे आज, पहले इसको खाते हैं, सफाया करते हैं।